नमस्कार साथियों, आज ऑप्शन रहेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पार्ट चलेगा अपना वर्त, सर्किल, ठीक है, चक्कर या चतुर्भुज, इसको बोलते हैं चक्कर या चतुर्भुज। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से ये चक्कर या चतुर्भुज दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, किस में दिया होगा, क्वेश्चन में। इसके बाहर से यहाँ से बिंदु देंगे ए बी सी डी, ये एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी डी, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। और सर्किल ओ से, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से इसको टच करते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ। तो देखो, ये एक सर्किल हो गया, कंप्लीट सर्किल है। उसके ये आर 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 आर, ये जो आपको दिख रही है ये है रेडियस। क्या है, ये वह वर्त की रेडियस। बिंदु ए से, जैसे कि हम जानते हैं बिंदु ए, यहाँ देखो बिंदु ए, जैसे कि हम जानते हैं बिंदु ए से ये कोई सर्किल हो गया, ये एक बाहरी बिंदु है ए। क्या है, बाहरी बिंदु। यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ मैं तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और आपको पता है एक कोई भी एक बाहरी बिंदु होता है उसके कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, दो। अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो हमें एक प्रमेय यह कहती है कि ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। और यह एक, ये क्या होते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो देखो, ये तो क्या होगी, समान। क्या होगी, समान। तो मैं इससे आगे दिखा रहा हूँ आपको, बिंदु ए से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, ये तो क्या हो गई, स्पर्श रेखा। क्या हो गई, स्पर्श रेखा। क्या हो गई, स्पर्श रेखा, ठीक है। ऐसे ही मैं बिंदु बी की बात करता हूँ, बिंदु बी की बात करता हूँ मैं, बिंदु बी। तो देखो, बिंदु बी में अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा डालूँ यहाँ से, तो बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू क्या हो गया, समान हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी और क्यू। ऐसे ही मैं बिंदु सी की बात करता हूँ, किसकी, बिंदु सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी क्यू बराबर, सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर। ऐसे ही मैं बिंदु डी की बात करता हूँ, कि मैं देखो डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। तो ये एक दो तीन और चार, ये टोट, ये क्या आपने स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा। और ये हमें पता होता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो देखो ए पी और ए एस, ए पी और ए एस, इन दोनों की लंबाई समान है, ऐसे ही इन दोनों की लंबाई समान है, 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 और इन दोनों की लंबाई समान। इसमें अपन को छः कोण मिल गए, कितने कोण मिल गए, छः। और आपको पता है जो भी एक सर्किल होता है, एक सर्किल होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है, इसका कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों होता है ये भी समझ लो, अपन जानते हैं एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पे अर्ध, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। और जब इसको टोटल कोण अगर निकाले तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। इसलिए एक टोटल, ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो, मैं इसको नाम दे सकता हूँ, मैं इस कोण को नाम दे रहा हूँ कोण एक, कोण दो, कोण तीन। अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कोण चार, कोण पाँच, कोण छः, कोण सात, कोण आठ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैं बात करता हूँ सर्किल की, बात करता हूँ किसकी, सर्किल की। देखो, ये जो आर आर है आपको रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, बिल्कुल आर आर दे रखी है। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी भी सर्किल में अगर मैं किसी भी बिंदु पर कोई रेडियस डालूँ तो क्या उसकी लंबाई समान होती है क्या, हाँ या ना, लंबाई समान होती है क्या, बिल्कुल आप कह रहे हो कि लंबाई समान होती है। तो देखो, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, मैं कहने का मतलब ये है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, इनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वृत्त का क्या है, सर त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और अपन जानते हैं वृत्त की त्रिज्या अगर किसी भी बिंदु पर ड्रॉ करे तो वो क्या होता है, लंबाई में समान होती है। तो आगे देखो, देखो आपने एक नियम पढ़ा होगा एस एस एस, एस ए एस और एस, देखो एस एस एस, एस ए एस और ए ए ए, ये नियम पढ़ा होगा आपने। तीन नियम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में, एस एस एस, एस ए एस और ए ए ए। देखो इसका मतलब क्या होता है, एस का मतलब साइड, क्या होती है, साइड, 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 साइड,
साइड साइड और साइड, इसका मतलब ए का मतलब होता है एंगल, क्या होता है एंगल, एंगल होता है ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ आपको बताता हूँ क्या होता है ये सब। मान लो कोई त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, ट्रायंगल, सब जानते हो त्रिभुज को, तो मैं नाम दे रहा हूँ ए बी और सी, ए बी सी, मैं ए को ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ मैं डी ई एफ, क्या डी ई एफ। देखो मैं बात कर रहा हूँ ए बी की, बात कर रहा हूँ किसकी ए बी की, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं ए बी सी की। देखो ए बी और मैं इधर इस बात कर रहा हूँ डी ई की, तो ये देखो तीन है, ये भी कितनी है तीन, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये तीन है, तो ये भी कितनी हो गई तीन, ये चार है तो ये भी कितनी हो गई चार। तो देखो एक है एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, दोनों साइड क्या हो गई बराबर हो गई। अगर किसी भी चीज़ में दोनों साइड बराबर हो जाती है ना, तो तीसरे उसका एंगल क्या हो जाता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। ये एक परमेय कहती है, ये नाइन्थ क्लास की परमेय होती है कि साइड एंगल साइड में, इस बात इसकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड बराबर हो गए ना, तो उसका एंगल क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो देखो ये एंगल बराबर, इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, क्या हो गया थीटा, क्या हो गया थीटा। इतनी बात समझ में आएगी। अगर मैं तीनों की क्या करूं, मैं तीनों की अगर साइड बराबर कर दूं, तीनों की साइड क्या कर दूं बराबर कर दूं, तो वो कौन सा नियम लगेगा एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, ये तीनों क्या होती है इक्वल होती है, क्या होती है तीनों इक्वल होती है। अगर किसी के भी कोण बराबर हो, किसी के भी क्या हो कोण बराबर हो, तो हमेशा वो क्या होती है एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्योंकि एंगल बराबर तो सब कुछ बराबर, एंगल बराबर तो सब कुछ बराबर। तो देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको, अब आओ अपन वर्थ की बात करते हैं, यह तो हो गया एंगल का बात, ठीक है इतनी बात तो मैं आपको समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ आपको सर्कल की, इसकी देखो यहाँ से कोई ये कोई त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है ठीक है, यहाँ से मैं कोई एटीट्यूड डालता हूँ, आपको पता है एटीट्यूड हमेशा एंगल को एंगल बाय सेक्टर करता है, एंगल बाय सेक्टर करता है, तो ये अगर थीटा हो गया तो ये कोण भी क्या हो गया थीटा। ये भुजा और ये भुजा हमेशा क्या होती है, मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी और ए बी सी, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं पी, क्या नाम दे रहा हूँ मैं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, किसी भी कोण से अगर मैं कोई एटीट्यूड डालूँ, तो क्या आपको पता है क्या वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, हाँ या ना, ये पिछली क्लास में बताया था मैंने ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए पी बराबर पी और बी, ए पी बराबर पी और बी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ए पी और पी बी, क्या मैं इसको ए पी की जगह बी पी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बी पी लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे लिख सकते हो, क्योंकि सर इसकी और इसकी लंबाई क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान। तो मेरे को एक बात बताओ, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो क्या ये भुजा भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी अगर किसी के दो कोण बराबर हो या दो भुजाएं बराबर हो, तो आप ये कह सकते हो कि तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो ये तीसरी भुजा क्या हो गई, ये हो गई उभयनिष्ठ, क्या हो गई उभयनिष्ठ। तो मैं त्रिभुज में इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले की पोर्शन की बात कर रहा हूँ पूरे कंप्लीट की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं एस ए पी ओ की बात कर रहा हूँ, मैं एस ए पी ओ की बात कर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे से मैं इसकी बात करता हूँ, आप ये बताओ मैं पी से कोई स्पर्श रेखा डालूँ किसी वर्थ पे, तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ ए पी ठीक है, और मैं ये बाह्य बिंदु से यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा डालूँ ए एस, क्या ए एस, तो ये दोनों लाइन समांतर होगी कि नहीं होगी मेरे को ये बताओ, कैसे होगी एक बार और समझ लो, क्यों होगी। ए पी, ए कोई बाह्य बिंदु है, वहां से मैं स्पर्श रेखा डाल रहा हूँ पी, यहाँ तक पी तक, और ए और एस और स्पर्श रेखा की लंबाई, वो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, आपको ये बात पता ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये भुजा बराबर तीसरी भुजा बराबर, तो क्या ये एक दूसरे से एस एस के नियम से ये दोनों बराबर हो गए क्या, हाँ या ना। तो मैं कोण एक कोण दो कोण एक और कोण दो को बराबर कर सकता हूँ नहीं कर सकता, आओ अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। मैं वर्थ की बात कर रहा हूँ, वर्थ की, किसकी बात कर रहा हूँ वर्थ की, मैं वर्थ की बात कर रहा हूँ, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पाँच प्लस कोण छः, पर उधर ध्यान देना कोण सात प्लस कोण आठ बराबर मैं 360 लिख सकता हूँ क्या, क्यों। देखो ये एक क्या है पूरा कंप्लीट वर्थ है, क्या है वर्थ, और देखो वर्थ में चार भागों में तोड़ आठ भागों में तोड़ दिया मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो मेरे को एक बात बताओ ये आठ भागों में तोड़ दिया मैं, इसको नाम दे दिया कौन एक कौन दो कौन तीन कौन चार कौन पाँच कौन छः कौन सात कौन आठ, तो मेरे को एक बात बताओ कंप्लीट सर्किल बन गया कि नहीं बन गया ये,
कंप्लीट सर्किल बन गया, और कंप्लीट सर्किल का मान कितना होता है, कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो मैं इस वाली बात इसको बात करूँ तो मेरे को एक बात बताओ, त्रिभुज SOA और OAP की बात करो, मैं OAP की बात करो, इधर देखो आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें ओ उभयनिष्ठ क्या है, ओ उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो देखो ये भुजा ना, ये भुजा हमेशा उभयनिष्ठ रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा उभयनिष्ठ रहेगी। तो ये अगर ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा बराबर, तो क्या कोण भी बराबर होगी, होंगे कि नहीं होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सिखाया था, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कोण एक बराबर कोण दो की जगह मैं कोण एक लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आपको तो ये बताओ मेरे, हाँ या ना। चाहे ऐसा कर लो, कोण दो, कोण एक की जगह भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण दो प्लस कोण दो, मैंने क्या किया, कोण एक की जगह कोण, ये तो बराबर होता है, कोण एक और कोण दो बराबर होंगे, क्यों आपको डिफाइन कर दिया मैंने, तो कोण एक की जगह मैं कोण दो ले सकता हूँ, आप कह रहे हो ले सकते हो, ठीक है। मैं कोण तीन की जगह कोण तीन, तो ऐसे कह रहे से रहने दो, प्लस कोण चार, चार की जगह कोण तीन ले सकता हूँ, ठीक है। कोण पाँच ऐसे कैसे रहने दो, प्लस कोण छः की जगह कोण पाँच ले सकता हूँ, ठीक है। कोण सात को ऐसे रहने दो, कोण आठ की जगह कोण सात ले सकता हूँ, और ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री, कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब मेरे को भाई एक बात बताओ, इसको मैं आगे सॉल्व कराऊँ, ये दो बार है, ये दो बार है, ये दो बार है, ये कितनी बार है, दो बार, कितनी बार है, दो बार। तो मैं इसको या दो बार ले लूँ, तो कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण पाँच प्लस कोण सात बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मैं इसको काट रहा हूँ, एक कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण पाँच प्लस कोण सात बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। देखो कोण दो और कोण तीन, कोण दो और कोण तीन, कोण दो और कोण तीन, और कोण पाँच और कोण सात, कोण पाँच और कोण सात, कोण पाँच और कोण सात। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, क्या हमेशा बराबर होंगे क्या? देखो क्यों, अगर मैं किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में ये क्या होती है, इस बिंदु होता है, ये ऐसा चित्र देखा है क्या आपने कभी भी? अगर मैं त्रिभुज को चार भागों में बराबर बांट दूं तो उसके कोण भी बराबर भागों में बढ़ते हैं। अगर मैं किसी त्रिभुज को वो किसी वृत्त को चार भागों में बांट दूं तो उसके कोण भी कितने भागों में बढ़ते हैं, चार भागों में बढ़ते हैं, ये बात आपको पता है। तो देखो अपने को सिद्ध यही करना है, कोण दो और कोण तीन का मान कितना हो गया, 180 क्यों हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 180 और एक 360 में, तो 180 में से अगर 100 वो 360 में से 180 इकट्ठा देंगे कितना बचेगा, 180, तो ये कोण कितना हो गया 90 प्लस, और ये कोण कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अपने सिद्ध क्या किया, कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण छः प्लस कोण सात बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, यही अपने को फाइंड आउट करना था।